हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो आज आप देख रहे हैं जी फार्मास्यूटिक्स वन लेक्चर सीरीज जनरल फिजिकल डिस्पेंसिंग बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट वन इन फर्स्ट ईयर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 19 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उनका टाइटल उनके नंबर आपके सामने हैं। उम्मीद आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे और लाइक भी किया होगा, कमेंट भी नीचे किया होगा। कुछ भी आप सजेशन दे सकते हैं उस सब्जेक्ट के हवाले से, अगर आपको समझ आई है तो आप वहाँ पे ये कमेंट कर सकते हैं जी कि मुझे इस टॉपिक की बड़ी अच्छी समझ आ गई है। तो कमेंट ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। फीडबैक आपका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फीडबैक मैं और मेरी टीम खुद हम चेक करते हैं इसको। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ को आप दें, ताकि ये टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे जिनके लिए ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन रात एक करके ये चीज़ रिकॉर्ड की जा रही है। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आना, इतना कुछ सेटअप लेके आना, ये बहुत मुश्किल होता है इस वक्त तक पहुँचना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि लेक्चर नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं हम, ऑइंटमेंट और क्रीम दोनों को पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर इसकी डेफिनेशन और टाइप है, क्रीम की भी और ऑइंटमेंट की भी। आए पढ़ते हैं, ऑइंटमेंट को पढ़ते हैं। ऑइंटमेंट क्या होती है? ऑइंटमेंट आर द सॉफ्ट एंड ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। सबसे पहले ये क्या है? सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, सेमी सॉलिड है। और इसकी दो नेचर है, ये सॉफ्ट है और ग्रीसी है। और कहाँ इसको हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे? स्किन पे या मॉइस्चर मेम्ब्रेन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करेंगे इसको। तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जो कि सॉफ्ट हो, ग्रीसी हो, और उसको स्किन पे हम अप्लाई करें या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, उसको हम ऑइंटमेंट कहते हैं। दो तरह की होगी, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड लफ्ज़ ज़ाहिर है कि जिसके अंदर मेडिसिन हो, अब चाहे वो डिजोल्व हो, सस्पेंड हो या इमल्सीफाई हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑइंटमेंट आगे तीन नेचर की होगी, वो डिजोल्व फॉर्म में होगी मेडिकेमेंट, ये सस्पेंडेड होगी, ये इमल्सीफाइड होगी। नॉन मेडिकेटेड अगर बात करें तो दे आर यूज एज व्हीकल फॉर प्रिपरेशन द मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, के नॉन मेडिकेटेड के अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं, पूरी पूरी वो ऑइंटमेंट है, लेकिन उसके अंदर कोई मेडिसिनल एजेंट नहीं है। तो वो किसके लिए इस्तेमाल? एज ए व्हीकल के तौर पे, कि हमारे पास रेडी टू यूज़ फॉर्म में ऑइंटमेंट होंगी नॉन मेडिकेटेड, उसके अंदर हम अपना एपीए डालेंगे, तैयार करके दे देंगे। तो ज़्यादातर ये हमारे पास इमोलियंट और प्रोटेक्टिव एक्शन स्किन के लिए, नॉन मेडिकेटेड भी इस्तेमाल हो जाती हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इमोलियंट इफेक्ट देने के लिए विदाउट एडिंग एनी मेडिसिन। बट ये एज ए व्हीकल भी है कि हम इसके अंदर मेडिसिन डाल के और भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है जी? ऑइंटमेंट बेस की। अब ऑइंटमेंट किससे बनती है? ऑइंटमेंट बेस से बनती है। अब ऑइंटमेंट बेस के आगे चार क्लासिफिकेशन है, ओलिजीनियस यानी ऑयल और फैट रिलेटेड चीज़ होगी, अब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस, वाटर सोलबल बेस। ये चारों बेसिस का कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका नाम आपको आने चाहिए। इनको डिटेल से पढ़ते हैं। ओलिजीनियस बेस यानी ये वो बेसिस हैं जिसके अंदर कंसिस्ट ऑफ वाटर इनसोलबल हाइड्रोफोबिक ऑयल एंड फैट्स, किसके अंदर क्या मौजूद हैं? जो पानी में ना हाल होने वाले ऑयल और फैट पे मुश्तमिल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइड्रोकार्बन हैं वो है पेट्रोलेटम यानी सॉफ्ट पैराफिन या लिक्विड पैराफिन, वाइट मिनरल ऑयल भी उसे कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलेटम भी कहते हैं। तो ये जो बेसिस हैं, ये ग्रीसी होती हैं, इनको उतारना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि रिमूव करना, जहाँ स्किन से हमने लगा तो दिया, उसने अपना इफेक्ट भी दिया, उसको वापस उतारना बड़ा मुश्किल, क्योंकि ओलिजीनियस इन नेचर है। दे प्रिवेंट ड्रेनेज ऑन ओजिंग एरियाज एंड एवेपोरेशन ऑफ द क्यूटेनियस सेक्रीशंस। तो ये क्यूटेनियस सेक्रीशंस में से एवेपोरेशन को रोकती हैं, और जहाँ से ड्रेनेज हो रही होती है उन चीज़ों को जो है वो सगम वगैरह में से उसको रोकती हैं। तो ये जहाँ एक मसला है कि इसको उतारना मुश्किल है, तो वही चीज़ एज ए बेनिफिट के तौर पे भी हम एज ए मेडिसिनल यूज़ करते हैं। दूसरी अब्जॉर्प्शन बेस की अगर बात करें, तो टर्म अब्जॉर्प्शन इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इन करेक्टर है, यानी वाटर लविंग बेसिस है, वाटर सोलबल बेसिस आप इसको कह सकते हैं। ये बहुत सारा पानी सोलब अपने अंदर सोलबलाइज कर लेंगी, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन फिर भी ये ऑइंटमेंट रहेंगी, यानी अपनी कंसिस्टेंसी में, यानी जो बनावट होगी इसकी वो ऑइंटमेंट भी होगी, लेकिन ये वाटर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगी, इसलिए अब्जॉर्प्शन बेस कहते हैं इसको। ज़्यादातर इसके अंदर वूल फैट है, एनहाइड्रस लैनोलिन इसका दूसरा नाम है, वूल फैट का, ये वूल ऑफ शीप से हासिल होती है। फिर हमारे पास हाइड्रस वूल फैट है, लैनोलिन,
एक एनहाइड्रस थी, दूसरी हाइड्रस है, दो दो तरह की वुल फैट होती है। फिर हमारे पास एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी ना हो, हाइड्रस का मतलब जिसमें पानी के वाटर कंटेंट मौजूद हो फार्मूले के अंदर। बी वैक्स जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं कॉम्ब ऑफ बी, हनी कॉम्ब ऑफ बी से। तो बी वैक्स भी हमारे पास अब्जॉर्प्शन बेस है। तो अब्जॉर्प्शन बेस कैसी होती है, जो बहुत सारा पानी तो अब्जॉर्ब कर रहे लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी यानी अपने आप को ऑइंटमेंट के नेचर के अंदर ही रखे। नेक्स्ट चलते हैं इमल्शन बेस। ये सेमी सॉलिड इमल्शन होते हैं जो दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ टाइप ऑफ पानी, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकता है, लेकिन दीज बेस कंटेन द बोथ वाटर सोलबल एंड वाटर इन सोलबल कंपोनेंट, यानी कि दोनों चीजें हैं ना इसमें, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दोनों कंडीशन के अंदर वाटर भी है ऑयल भी है, ठीक है। तो दी ये एमल्सीफायर भी होते हैं इसके अंदर, और सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कंटेंट होता है सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टी होने की वजह से जो इसका कांटेक्ट होता है बॉडी के साथ मेडिकामेंट का, वो बड़ा अच्छा हो जाता है, इनहांस हो जाता है। हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, मिसाल रोज वाटर ऑइंटमेंट है, वेनिशिंग क्रीम, ये सारी की सारी इमल्शन बेस हैं। वेनिशिंग क्रीम होगी, रोज वाटर ऑइंटमेंट हो गया, हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, ये सारी सारी इमल्शन बेस ऑइंटमेंट है। ऑयल इन वाटर का मतलब हमारे पास ये है कि ऑयल कम मिकदार में होगा, वाटर ज्यादा मिकदार में होगा। वाटर इन ऑयल का मतलब ये है कि वाटर कम मिकदार में है, ऑयल ज्यादा मिकदार में है। नेक्स्ट, वाटर सोलबल बेसिस है, दे कंटेन ओनली द वाटर सोलबल इंग्रेडिएंट, कि इसके अंदर सिर्फ वाटर सोलबल इंग्रेडिएंट होंगे बट नॉट द ग्रीसी सब्सटेंस, ग्रीसी सब्सटेंस नहीं होंगे। सो ऑल्सो नोन एज ग्रीस लेस बेस भी हम इसे कहते हैं कि ग्रीसी लेस बेस होती है। दे आर वाटर वॉशेबल, क्या आप जहाँ लगी हुई ऊपर से आप जरा पानी डालेंगे तो ये वॉश हो जाएगी ईजिली। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या कार्बोवैक्स जिसका दूसरा नाम है, सर्टेन अदर सब्सटेंस आप यूज होते हैं वाटर सोलबल बेसिस के अंदर, जैसे ट्रैगाकैंथ है, जेलेटिन है, पेक्टिन है, सेलोज डेरिवेटिव, ये भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा यानी ऑइंटमेंट के अंदर एक तो ऑइंटमेंट बेस हम डालते हैं, वो हमने पढ़ ली, चार तरह की होती है। अब इसके अलावा दूसरी चीजें कौन सी ऐड होती है, प्रेजर्वेटिव ऐड होती है। प्रेजर्वेटिव बेस क्योंकि हाईली वाटर कंटेंट होते हैं इनके अंदर, तो इसलिए जहां वाटर कंटेंट होगा वहां बैक्टीरिया आएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, तो इसलिए जहाँ वाटर कंटेंट ज्यादा है वहाँ हमें प्रेजर्वेटिव भी ज्यादा डालने पड़ेंगे, जैसे मिथाइल पैराबीन्स, प्रोपाइल पैराबीन्स, बेंजोइक एसिड्स, ये दो तीन नाम आप याद कर लीजिए, आ जाएगा आपको काम आएंगे। तो ये तीनों के तीनों जो है एज ए प्रेजर्वेटिव है इन ऑइंटमेंट इनकॉर्पोरेटेड, ताकि स्टोर किया जा सके लंबे अरसे तक। एंटी ऑक्सीडेंट डालेंगे हम इसके अंदर, चिलेटिंग एजेंट डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए। अब प्रिपरेशन के, प्रिपरेशन मेथड कौन से ऑइंटमेंट बनाने के, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ इसका नाम मौजूद है, दो तरह के होते हैं ये, फ्यूजन मेथड और टिचुरेशन मेथड। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूजन मेथड कौन सा होता है ऑइंटमेंट का, किस तरीके से जो है वो अगर ऑइंटमेंट बने तो उसको फ्यूजन मेथड कहेंगे, या किस तरीके से अगर ऑइंटमेंट बने उसको टिचुरेशन मेथड कहेंगे, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं या डॉक्टर फार्मेसी के लिए, लेकिन आपके हद तक सिलेबस तक बस आपका नाम पता होना चाहिए। आप पैकेजिंग की बात करें तो इन्हें हम वेल क्लोज कंटेनर के अंदर पैक करेंगे। ऑइंटमेंट जार्स, कोलेप्सिबल ट्यूब्स जो पीछे से दबाते हैं और आगे से ट्यूब आहिस्ता से निकलती रहती है उसको कहते हैं कोलेप्सिबल ट्यूब्स। और इसके अलावा ये जो है वो एयर स्पेसिस नहीं होती, ऐसे कंटेनर के अंदर हम इसको पैक करते हैं। स्टोरेज लेबलिंग की बात करें, स्टोर एट कूल प्लेस टू अवॉइड द सॉफ्टनिंग एंड लिक्विफिकेशन ऑफ द बेस, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एयर, लाइट एंड मॉइस्चर, इट शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, के लेबल के ऊपर आपने एक लेबल जरूर लगाना है कि जी एक्सटर्नल यूज के लिए, ऑर्नमेंट इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल होती। और फिर इसको हवा, पानी और लाइट से बचा के रखना है, हवा, लाइट और मॉइस्चर यानी पानी से बचा के रखना है आपने। ये स्टोरेज कंडीशन और लेबलिंग मैंने आपको बता दी कि इसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा लेबल एक लगाना है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ऑप्थैल्मिक ऑइंटमेंट की अगर बात करें तो ऑप्थैल्मिक ऑइंटमेंट आर स्टरलाइज डिस्पर्शन ऑफ मेडिकामेंट इन द बेस मेंट फॉर द एप्लीकेशन इन टू आई। ऑप्थैल्मिक मतलब ऐसी चीज जो आंख में इस्तेमाल हो, ऐसी ऑइंटमेंट जो आंख में इस्तेमाल हो उसे ऑप्थैल्मिक ऑइंटमेंट कहेंगे। एक्चुअली ये ऑइंटमेंट की सबसे पहली खसूसियत ये है कि ये स्टरलाइज होगी, बाकी सारी हम जो है वो उसके स्टेलाइज कंडीशन नहीं होती, ऑप्थैल्मिक स्टेलाइज होती है। और वही बेस के अंदर ये मिक्स मेडिकामेंट होते हैं जो जिसे हम आई में अप्लाई करते हैं, फ्री फ्रॉम इरिटेशन और स्टेराइल होती है। द बेस सिलेक्टेड फॉर आई मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग, कि हम ऐसी बेस करेंगे जो हमारी जो आईज को इरिटेट ना करे, ड्रग को डिफ्यूज होने दे
थ्रू आउट द सेक्रेशन ऑफ आई, जो आई की सेक्रेशन उसके अंदर ड्रग को डिजोल्व होने दे, और मस्ट मेल्ट क्लोज टू बॉडी, बॉडी टेम्परेचर पे वहाँ जाके मेल्ट भी हो जाए, यानी हमें अगर डार्क में डाली है तो वहाँ बेस मेल्ट होगी तो उसमें से मेडिसिन निकलेगी, और अगर वो मेडिसिन निकल के जो हमारी आइज की सेक्रेशन है उसके अंदर मिक्स होगी तो वो आइज तक पहुँचेगी और लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट देगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। सो प्रिपरेशन बहुत ही एसेप्टिक कंडीशन के अंदर हम करते हैं इसको। अब दूसरी क्रीम की बात कर लेते हैं जी। क्रीम आर द नॉन ग्रीसी विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इमल्शन, ये मोस्टली इमल्शन होते हैं इसलिए मैंने इमल्शन लिख दिया, इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन ऑन स्किन एंड म्यूकस मोरेन। क्या हम इसको दो जगह अप्लाई करते हैं, या स्किन पे या म्यूकस मोरेन पे? अब ये होती कैसी है, लिक्विड होगी या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होगी और नॉन ग्रीसी विस्कस है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी और नॉन ग्रीसी। अब वहाँ डिफरेंस आपको समझ आ रहा है, वो ग्रीसी है ऑइंटमेंट, ये नॉन ग्रीसी है। अब क्रीम और ऑइंटमेंट आप मेडिकल स्टोर पे खड़े हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं वो आपको कह रहा है यार बिट्रोमेट क्रीम दे दो, बिट्रोमेट ऑइंटमेंट, इसमें फ़र्क क्या है बताओ जी, आपने सिंपल उसको बताना है कि ये जो क्रीम है ये क्या, ये लगाने में मुलायम होगी और ऑइंटमेंट लगाने के अंदर ज़रा खुरदरी होगी, यानी वो ग्रीसी इन नेचर, ये नॉन ग्रीसी इन नेचर है, वो लेस विस्कस है, ये विस्कस है, ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, दो हैं, मेडिकेटेड क्रीम है, नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड मतलब कोई ना कोई ख़ास एपीआई ऐड किया हुआ और वो ख़ास फंक्शन के लिए, पर्पस के लिए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज़ हो रही है। नॉन मेडिकेटेड क्रीम वो एज ए इमोलिएंट, एज ए इमोलिएंट मतलब स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, कि सिर्फ उसके अंदर जो है वो यानी इमल्शन बनाया हुआ, उसके अंदर कोई एपीआई मौजूद नहीं है, और इमोलिएंट मतलब स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। क्रीम कंटेन अ वाटर सोलबल बेस ड्यू टू विच दे कैन इजीली रिमूव फ्रॉम स्किन। अब होता क्या है कि हर क्रीम के अंदर हम वाटर सोलबल बेस ऐड करते हैं, जब हम हर क्रीम के अंदर वाटर सोलबल बेस ऐड करते हैं जैसे वाटर पड़ेगा क्या होगा, वॉश हो जाएगी वो, और सॉफ्टर कंसिस्टेंसी होती है इसकी। अब ये इमल्शन है, क्रीम इज द इमल्शन। अब क्रीम इमल्शन है और विस्कस भी है तो दो तरह के होगा ये क्रीम, वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा जिसे हम ऑयली क्रीम कहेंगे, ऑयल इन वाटर इमल्शन या क्रीम होगी जिसे एक्वस क्रीम कहेंगे। अब ज़रा समझे बात को यहाँ पे, ऑयल इन वाटर का क्या मतलब कि वाटर कम मिकदार में ऑयल ज़्यादा है, तो इसलिए ये ऑयल ज़्यादा तो ऑयली क्रीम कह दिया हमने। ऑयल इन वाटर का मतलब ऑयल कम तो वाटर ज़्यादा, एक्वस कह दिया हमने। समझ आई कुछ बात आपको? तो इसकी प्रेजर्वेशन हमने कैसे करनी है, एक्वस क्रीम अगर होगी तो उसके अंदर मैंने कहा ना जहाँ पानी वहाँ बैक्टीरिया, आएगा ही आएगा, तो हमें उस बैक्टीरिया के मोल्ड को ग्रो होने से रोकना, तो प्रेजर्वेटिव हम डालेंगे इसके अंदर। अब कंटेनर और स्टोरेज की बात करें तो क्रीम जो है वो बिल्कुल वेल क्लोज कंटेनर के अंदर हम करेंगे ताकि एवेपोरेशन ना हो सके उसमें से वाटर की, या कोई बाहर से कंटेमिनेशन ना हो सके। कंटेमिनेशन का मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर दाखिल हो जाना, वेपोरेशन का मतलब अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाए। दे शुड बी स्टोर इन कूल प्लेसेस, को ठंडी जगह पे रखेंगे। द कोलैप्सिबल ट्यूब जो है वो हम मेटल की, प्लास्टिक की बनाते हैं पैकेजिंग, क्रीम की पैकेजिंग के लिए। एल्यूमिनियम ट्यूब भी जो है वो सूटेबल नहीं होती फॉर क्रीम पैकेजिंग के लिए, हम इसको मेटल और प्लास्टिक की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।